हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं गुरमीत सिंह डोगर आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने YouTube चैनल @DoggerVibes पे। दोस्तों आज कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, आज ये सिर्फ एक बस यार आप सबसे बात करने के लिए मन कर रहा था, तो बना रहा हूँ ब्लॉग और होप के आप देखेंगे यूके की लाइफ और कैसे हम घर पे रहते हैं और क्या क्या हमारी दिनचर्या रहती है और कैसा लाइफ का स्ट्रगल है यहाँ पे, है ना। तो यार अभी दिन के बजे हैं मेरे पास लगभग 6 बजने वाले हैं और आप धूप देखिए मेरे पीछे, ये देखो। और ये धूप जो है भाई, ये रात को 8 बजे तक एटलीस्ट रहती है और उसके बाद 10 बजे तक पूरा वो रोशनी रहती है, मतलब जैसे हमारे वहाँ पे 7, 7:30, 8 बजे तक रहती है इंडिया में। तो यार यहाँ पे थोड़े कपड़े सूख रहे थे, सोचा कि उतार लूँ क्योंकि अभी सूख चुके हैं। हालांकि वैसे तो जो है वॉशिंग मशीन वो बढ़िया वाली है और खुद ही सुखा देती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सीलन रह जाती है इन कपड़ों में, तो उस वजह से मैं ये अभी उतारने आया हूँ। होप यार देखो, सीधी सी बात है, अगर आप बाहर आ रहे हो फैमिली के साथ तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। यहाँ पे वो मर्दानगी जो रहती है कि ये लेडीज़ के काम है और ये जेंट्स के काम है, ये डिफरेंशिएट यहाँ पे नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ऐसा है भाई, मैं ये कपड़े उतार रहा हूँ, तो उतार लूँ पहले, उसके बाद देखते हैं फिर क्या बनता है। हाँ जी, तो अभी कपड़े वपड़े उतार लिए और कुछ मैं पहले उतार के ले आया था और कुछ ये ले आया हूँ। अभी ये देखो, ये फैमिली है, ये बच्चा पूरा दिन फ़ोन देखता रहता है और स्कूल जाता है और उधर मेरी वाइफ स्टडी कर रहे हैं, तो इनको हम यहीं पे छोड़ते हैं, हम चलते हैं अभी थोड़ा और जगह पे। हाँ यार, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली आज आप ये जो फर्नीचर देख रहे हैं मेरे घर में, है ना, जो भी यूटिलाइजेशन की चीज़ें देख रहे हैं, तो यार ये सभी ना यहाँ पे जो मालिक रहते हैं वो छोड़ जाते हैं। हो सकता है आपको किसी घर में ना मिले, किसी में मिले, है ना। तो आप एक चीज़ देखोगे, थोड़े दिन पहले मुझे ये भी पता चला, ये देखिए, मैं दूसरे कैमरा से दिखाता हूँ आप। तो यार ये देखिए, ये बिल्कुल नया साइकिल है और ये वो कबाड़ रूम है, उसमें से निकाला है, कल ही निकाला है मैंने, तो ये ऑलमोस्ट नई कंडीशन में है यार। ये मतलब होगा कोई काफ़ी महंगे साइकिल्स रहते हैं यहाँ पे, आप मानेंगे तो इंडिया के ये 12-15 हज़ार के करीब होगा इसकी जो कीमत है। अभी मुझे पता नहीं, गियर वियर बहुत अच्छी कंडीशन में है, ये देखो सारा कुछ अच्छा, दोनों साइड गियर्स हैं और ये मतलब अभी की बात बोल रहा हूँ मैं कि अभी इसका इंडिया के 12-15 हज़ार का रेट होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि नया कितना है, क्योंकि नया मैंने यहाँ पे यार ख़रीदा नहीं है। अभी हम जाते हैं उस ओर अपने स्टोर रूम में कि वहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, हम देखते हैं। तो यार आप ये देखो, ये पूरा भर के रखा हुआ है, भर भर के। और ये चेयर्स हैं, ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनके साथ वाली दो चेयर्स हमने अपने जो लॉन्च रूम है उसमें लगा रखी हैं, वो ढोल वगैरह पड़ा हुआ है और ये सब चीज़ें। यार देखो, यहाँ पे लोगों की खरीद शक्ति बहुत है बेसिकली, तो लोगों की जो खरीद शक्ति है वो खरीद शक्ति इतनी है कि वो कुछ समय बाद ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो रहती हैं जो मतलब साल पुरानी हो गई, 2 साल या 1.5 साल या फिर, तो वो उन चीज़ों को निकाल देते हैं घर से हर क्रिसमस के आसपास, तो बहुत मतलब सामान रहता है ना। तो यार ये देखिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये जो ये पड़ी हुई है ये उन्हीं के साथ वाली हैं और ये जो पूरा सामान है ये वो। हाँ तो यार जो वो चेयर्स थी वो उन्होंने रखी हुई थी वहाँ पे, वो फ्री वाली हैं, तो आप भी ऐसा देखिए, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और घर ढूंढ रहे हैं तो आपको जो, क्योंकि पहले पहले जब हम यहाँ पे आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इन सब चीज़ों का अरेंज करना, क्योंकि जो
हम पैसा तो लेके आते हैं रुपये में और उसे कन्वर्ट करवाने के बाद वो थोड़े बहुत ही बनते हैं, तो उन चीज़ों को ख़रीदने में जो पैसा चला जाता है वो मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे बाइक्स और साइकिल बहुत महंगे हैं। ये गाड़ी मेरे पीछे खड़ी हुई है, ये है बहुत वो मिनी कूपर, तो ये गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे आप काम चलाऊ जो हैं वो आप ले सकते हैं, 500 से शुरू हो जाती हैं, 500 पाउंड, 600 पाउंड, 800 पाउंड, 1000 पाउंड, जैसी कंडीशन और जैसी गाड़ी का वो रहेगा वैसे ही वो मिल जाती है यहाँ पे। लेकिन साइकिल जो है वो सस्ता नहीं मिलता है, साइकिल आपको 100 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड ऐसे मतलब मिलेगा, और सेकेंड हैंड भी कोई ज़्यादा सस्ता नहीं मिलता है। सेकेंड हैंड भी आपको एटलीस्ट 80 से लेके 150 पाउंड के आसपास तो ख़रीदना ही पड़ेगा, है ना। तो यार आज मेरी छुट्टी है, आज मैं शिफ्ट पे नहीं गया, मैं दोनों जगह पे भी नहीं गया आज, क्योंकि एक जगह पे तो मैं रात में जाता हूँ तो रोटेशन के हिसाब से आज मेरा दिन वहाँ पे नहीं है। और जो मीट फैक्ट्री है वहाँ पे मैंने बुक नहीं की थी यार, एक तो ऐसा है कि इतने दिन हो गए काम 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 काम, बस पूरा दिन काम करते रहो और फिर थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, दो दिन से लगातार सो ही रहा हूँ क्योंकि 5-6 रातें लगातार काम की है। तो थोड़ा अपने दोस्तों से मिलने विलने जा रहा हूँ, एक्चुअली दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं है, दोस्तों आप सभी हैं, आपके ही मैसेजेस आते हैं, यहाँ पे तो कोई बना नहीं है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ यार, मैं अभी जा रहा हूँ एक दुकान पर, यहाँ पर छोटे छोटे स्टोर्स रहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर दिखाऊँ के रेट्स क्या हैं दुकानों के, मतलब जो चीज़ें रहती हैं जो हम हमारे बच्चे खाते हैं, है ना, या फिर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सामान, तो उनका क्या प्राइस रहेगा, है ना। तो मिलते हैं हम दुकान पे। हाँ तो यार मैं अपनी शॉप में पहुंच गया था, अपने दोस्त की शॉप में, तो ये देखिए आप, ये इंडिया में 30-40 का मिलता है ये जो चीज़ है, नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि आपको पता है वो कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं। तो ये एक पाउंड का है, एक पाउंड 25 पेनीज का, और ये लॉलीपॉप साहब ये 75 रुपये का इंडिया के हिसाब से। और एक बात और चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे दो तरह की शॉप्स रहती हैं, एक जो लाइसेंस वाली रहती हैं उनमें आपको दारू वगैरह सब मिल जाता है, है ना, और सिगरेट तंबाकू ये वो, तो जो दूसरी रहती है उनमें सिर्फ आपको ग्रॉसरी मिलती है। तो ये देखिए ये पूरा भरा पड़ा है, मैं ज़्यादा नहीं आप शूट करूँगा यार क्योंकि आपको पता ही है कि कॉपीराइट्स इश्यूज आ जाते हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं, है ना। तो ये मैगी है ये 75 रुपये की आ गई, है ना, इंडिया के हिसाब से, तो ये पता नहीं क्या है यार, है ना। और ये तेल, ये हनी आ गया 299 का, पता नहीं कौन सी कंपनी का। और ये देखो एक चीज़ और देखो यार, ये बनी बनाई सब्जियां हैं, सब्जियां दालें सब बनी बनाई हैं, और ये 1.40 का है। देखो यहाँ के हिसाब से देखोगे तो ये ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिया के हिसाब से देखो यार, ये एक बंदे की भी सब्जी नहीं है, है ना, एक या मैक्सिमम दो बंदे, और हम इंडिया में 40 से 50 रुपये में पूरी फैमिली खा लेती है, 40 से 50 मैक्सिमम आप 100 लगा लो। और यहाँ पे देखिए ये आपको सब मिलेंगे, ये बर्तन वगैरह यहाँ पे, और यार ये चीनी रहती है, चीनी ऐसे पैकेट में आती है ब्रिक चीनी यहाँ पे जो रहती है, अपने इंडिया जैसी नहीं वो क्रिस्टल पूरा। तो बाकी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे के दूध वूध सब कुछ, है ना। और एक नई चीज़, ये ATM है यार, आपको मैं किसी कंपनी का नाम नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे लगे हुए हैं ATM दुकानों में। तो ये चीज़ सबसे महंगी है यार, यहाँ पे जो सर्फ कपड़े धोने वाली चीज़ है ना वो सबसे महंगी है यहाँ पे। तो हम निकलते हैं यार बाहर अभी, क्योंकि घर पे जाके ही मैं आप सबको चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखिए जेली है, ये 135 की है, पता नहीं क्या है, और ये है 135 का।
तो इंडिया के अकॉर्डिंगली ये अच्छा सिम भी मिल रहे हैं यहाँ पे दुकानों में। तो हम यार बाहर निकल के बात करते हैं एक बार। हाँ तो यार मैं वहाँ से निकल आया, मेरे पीछे ये देखिए बस खड़ी हुई है, डबल डेकर है। तो यहाँ पे सभी बसेस डबल डेकर रहती हैं, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि यार ये ना जो यहाँ पे किराया बहुत महंगा है बसेस का। हाँ बसेस ट्रेन, इस वजह से हर घर में अगर आप चार लोग हैं तो आपके पास चार गाड़ियाँ हैं। और अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए ये गाड़ियाँ पूरे घरों की हैं जो यहाँ पे घर, वो देखिए पीछे तक लाइन। तो यहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम यूज़ करते हैं। हाँ तो मैं बात कर रहा था दुकान में प्राइसेस की, तो यार प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं यहाँ पे। यहाँ पे दो तरह की दुकानें, जैसे मैंने पहले बताया कि एक ऑफ लाइसेंस होती हैं और एक लाइसेंस वाली होती हैं। सॉरी, एक के पास लाइसेंस नहीं होता है, वो सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर्स ही चला सकते हैं। और जो ऑफ लाइसेंस है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और, हमारे इंडिया में जो मेडिसिन है वो ग्रॉसरी स्टोर्स में नहीं मिलती है। यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं बच्चों के लिए जो आप ग्रॉसरी स्टोर से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यार थोड़ा भाग भाग के दिखाया, क्योंकि यार क्या है कि हर एक बंदे को अपना डर रहता है और हम लोग विदेश में रहते हैं ना। देखिए मेरी वीडियो है, ठीक है मेरा दोस्त है वो, और उसने उतना शूट करने दिया, वो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। उसने भी बोला कि यार किसी प्रोडक्ट का नेम नहीं आना चाहिए, उसका प्राइस नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा भाग भाग के शूट किया है। और मेरा जो मेन मकसद यही था कि आपको दुकान दिखाऊं यहाँ पे कैसी दुकानें रहती हैं, है ना। तो होप आप अभी थोड़ा अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि कैसी दुकानें रहती हैं यहाँ पे। दुकानें मतलब यार स्टोर ही रहता है, एक छोटा स्टोर, जैसे हमारे इंडिया में बड़े बड़े अभी मॉल खुले हुए हैं, वैसे ही मतलब उनका छोटा रूप लगा लो। यहाँ पे जैसे हमारे गांव में रहती है ना छोटी सी दुकान, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे स्टोर ही होता है। उसमें आपको चप्पल से लेके सुई से लेके दारू तक, अगर जहाज़ भी यहाँ पे बिकते हो तो वो भी ये रख लें, लेकिन वो बड़ी चीज़ है, ऑब्वियस है ना। हाँ तो मुझे लगता है आपको हंसी नहीं आएगी क्योंकि ये जोक था। आप ये देखिए घर के बाहर कितनी पार्किंग, यार यहाँ पे यही प्रॉब्लम है रोड्स के ऊपर, पार्किंग की जगह ही नहीं है घरों के बाहर। लोग ऐसे ही अपने घर के बाहर बस रोड के ऊपर लगा देते हैं। आपको मैं अभी और दिखाता हूँ, ये देखिए वे लंबी लाइन, ये देखो ऐसा ही रहता है, देखो कितनी मतलब पार्किंग है यहाँ पे। तो यार ऐसा है मेरे भाई कि आप आइए यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कीजिए, ज़िंदगी बढ़िया है। इंडिया में हमारे लिए गाड़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है, साइकिल आम चीज़ होती है, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी आपके लिए आम है और साइकिल खास, क्योंकि यार बहुत महंगा है साइकिल भी यहाँ पे, ठीक है ना। तो बाकी यार मुझे पता नहीं कि मैंने कैसा ब्लॉग बनाया है, मैं सिर्फ चाहता था कि मेरी बात आप तक पहुँचे और आप देखें जो मैं दिखाना चाहता हूँ। हालांकि मुझे लगता है मैंने बढ़िया नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा यार ये, ठीक है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में यार। अभी शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपको धीरे धीरे दिखाने की, मेरे पास कंटेंट भी नहीं है उतना कि क्या दिखाऊँ क्या करूँ। तो आज मुझे यही समझ में आया कि यार आज चलो बात ही कर लेते हैं हम लोग आप सबसे, तो यही कर रहा था। तो यार अभी अपने ब्लॉग को मैं एंड की ओर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, देखने के लिए साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।